नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार जैन है और आईएएस स्टडी ट्रिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनको आज हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये अध्याय। सबसे पहले जो दिया है कि मेघदूत के रचयिता हैं। अब आपको पता है कि कालिदास इसके रचयिता हैं। अब हमें याद करना है जो कि कभी ना भूलें। तो मेघदूत, कॉमन सेंस की बात है कि मेघ जो आते हैं, जब मेघ आते हैं तो जो आपको वहां का नजारा होगा, जब मेघ आएंगे और बरसात करेंगे तो जो काली घटा छा जाती है, तो मेघ से क्या बनेगा, काली घटा, मतलब कालिदास। मेघ जब भी आएंगे तो क्या होगा, काली घटा छा जाएगी। तो मेघदूत किसके रचयिता होंगे, मेघदूत के रचयिता कौन होंगे, कालिदास। क्योंकि मेघ जब आएंगे तो काली घटा छा जाएगी, तो मेघदूत की जब भी बात होगी वहां पर काली घटा छाएगी और इसके रचयिता कौन होंगे, कालिदास जी होंगे। नेक्स्ट है, मांडू उत्सव कब कहां मनाया जाता है। मांडू, तो जो मांडू उत्सव है, मांडू उत्सव कहां मनाया जाएगा, आपको पता है कि मांडू एक स्थान है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में ही मनाया जाएगा। तो मांडू उत्सव कहां पर मनाया जाएगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, यूनाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम क्या है। अब बताइए कि हमारे भारत में यूनाइटेड माइंड्स कौन हुए हैं अभी तक, जिन्हें कि हम मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जानते हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब। तो यूनाइटेड माइंड्स, इनका जो माइंड्स था वो यूनाइटेड था, मतलब एक अद्वितीय माइंड इनका रहा, जिन्होंने जो है बहुत बड़ी मिसाइलों को निर्माण किया है। और APJ अब्दुल कलाम साहब यूनाइटेड माइंड्स थे, तो यूनाइटेड माइंड्स के लेखक कौन होंगे, APJ अब्दुल कलाम साहब ही होंगे। ऐसे इसको याद कर सकते हैं, यूनाइटेड माइंड्स कौन हुए हैं, APJ अब्दुल कलाम, जैसे कि मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं अब्दुल कलाम साहब। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट संबंधित है। शारदा जो एक्ट है वो किससे संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है। अब आपको वैसे ही लग रहा होगा शारदा, जैसे कि आपको लग रहा होगा कोई लड़की का नाम शारदा, तो शारदा जो एक्ट होगा वो किससे संबंधित होगा, बाल विवाह से, क्योंकि शारदा किसी जो है लड़की का नाम होगा अगर, तो उसका जो है बाल विवाह से संबंधित होगा, उसका बाल विवाह हमें रोकना है शारदा एक्ट से संबंधित, तो शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अब कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाएगा, आप बताएं, कंप्यूटर में क्या होते हैं, सबसे पहले तो जो होते हैं एक हार्डवेयर होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, आप सभी जानते हैं, तो कब मनाया जाएगा ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस, मतलब दो कंप्यूटर में दो होते हैं अंग होते हैं इसके, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, तो 2 दिसंबर को ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, सूर्योदय का देश कहा जाता है, तो सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को, क्योंकि जैसे ही सूर्योदय होता है और हमारे जो दादा बुजुर्ग होते हैं वो क्या बोलते हैं, जा पान लेके आ, सूर्योदय हुआ और उनको पान चाहिए, तो सूर्योदय मतलब जा पान लेके आ, तो जापान, सूर्योदय का देश जापान। नेक्स्ट है, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो कहां पर होगा, सब्जी कौन मंगवाता है हमारे घर में, ताई मंगवाती ना सब्जी लेके आओ, ताई, जब भी सब्जी की बात होगी मतलब ताई। एशियाई सब्जी अनुसंधान कहां पर होगा, ताइवान में होगा, क्योंकि ताई जो है सब्जी मंगवाती है हमारे घर में, तो सब्जी अनुसंधान केंद्र, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध के नाम से जाना जाता है, तो मुक्तिबोध, अब एक बात बताएं कि बुद्धि के देवता गणेश जी को कहा जाता है, मुक्ति कौन दिला सकता है अपन को, मुक्ति कौन दिला सकता है, अगर आपको IAS बनना है या फिर कोई बड़ी सरकारी जॉब प्राप्त करना है तो कौन मुक्ति दिलाएगा, गजानन, जिन्हें कि गजानन कहते हैं, तो मुक्तिबोध के जो लेखक होंगे वो कौन होंगे, गजानन माधव, तो मुक्तिबोध के लेखक कौन होंगे, गजानन माधव, क्योंकि मुक्ति हमें वो ही दिलाएंगे, गजानन। नेक्स्ट है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित होगा, वो होगा मूसी नदी के किनारे। अब याद कर सकते हैं, हैदराबाद में हमारी कौन है, मौसी, हैदराबाद में हमारी मौसी है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। आजकल जो कब से चल रहा है कि जल संरक्षण, जल को बचाओ, मतलब अगर आप 2 बाल्टी में नहाते हो तो 22 करो उसको,
एक बाल्टी में नहाओ। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाएगा? 22 मार्च को। 22 मार्च को, क्योंकि हमें दो बाल्टी को 22 करके एक बाल्टी में नहाना। 22 मतलब बस, बस करो यार, दो बाल्टी में नहीं एक बाल्टी में नहाना है। तो 22 मार्च जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। बोले 22 एक बाल्टी में नहाओ, है ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट है कानपुर से, भारत में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? कानपुर से अगर हम आपका कान पकड़ लें, पीछे से आपके कान पकड़ लें, तो आपके बोले ना 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 पकड़ो यार, कान बहुत दर्द दे रहा है ना। तो कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? नाना साहब। क्योंकि कान पकड़ोगे तो आप ना ना बोलोगे, क्या बोलोगे? ना 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 कर, है ना। तो कान नहीं पकड़ना है, नाना साहब थे यहां से कानपुर से 1857 की क्रांति के नायक। नेक्स्ट है पका आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पका आम में कौन सा पाया जाएगा? हम बोलेंगे ए पका आम लेकर आ, ए पका आम लेकर आ, तो ए विटामिन ए पाया जाता है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? ए पका आम लेकर आ। तो पका आम में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? ए विटामिन ए। नेक्स्ट है अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो अभिनव, अगर भारत का कोई अभिनव करेगा तो कौन करेगा? कोई वीर ही होगा, तो वीर सावरकर जी। तो अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? वीर सावरकर जी द्वारा किया गया, क्योंकि भारत का अगर अभिनव कोई करेगा तो वो करेगा वीर ही होगा, कोई जो अभिनव करेगा, तो वीर सावरकर जी, ऐसे याद करेंगे इसको। नेक्स्ट है बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था, तो बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निरंतर निमंत्रण कौन देगा? जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने विदेशी हमलावर थे जिन्होंने आक्रमण किया है, उन्होंने क्यों किया है? क्योंकि हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे भारत में बहुत सारी दौलत थी, इसलिए वो दौलत को लूटने के लिए आक्रमण करते थे। उसी प्रकार बाबर ने भी दौलत को लूटने के लिए आक्रमण किया, और दौलत खान लोदी और आलम खान ने जो है इनको निमंत्रण दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि बाबर दौलत लूटना चाहता था, दौलत खान लोदी ही निमंत्रण देंगे, और हमारे जो भारत का आलम हुआ वो तो आप जानते ही हैं, इस प्रकार से इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है हम्पी अवशेष हैं, हम्पी कहाँ के अवशेष होंगे? विजयनगर साम्राज्य। अब चुनाव में कोई जीत गया, बहुत भारी बहुमत से जीत गया, तो क्या बोलते हैं? हम तो आज पियेंगे। क्यों पियेंगे? क्योंकि हम विजयी हुए हैं, विजय प्राप्त हुई है हमें। तो हम्पी अवशेष कहाँ के होंगे? विजयनगर साम्राज्य के, क्योंकि विजय जब कोई हो जाता है तो वो क्या करता है? पीता है। आज के युग में तो आप देख रहे होंगे कि चुनाव उनाव जीत गए, कोई बड़ा काम हो गया तो वो क्या करते हैं? पार्टी होती है, पीते हैं, क्योंकि विजय हुए हैं। नेक्स्ट है होयसल वंश की राजधानी थी, तो होयसल से संबंधित है कि होयसल मतलब चिंता होना, सल्ल होना। तो सल्ल आपको होगी तो आप क्या करेंगे? समुद्र के द्वार भी बंद कर देंगे, घर के द्वार तो छोड़ो, समुद्र के द्वार भी बंद कर देंगे, तो द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी कौन होगी? द्वार समुद्र, सल्ल है तो द्वार बंद करो। नेक्स्ट है सीसा का सिक्का चलवाया था, तो सीसा, सीसा काय में लगा होता है? बस में लगा होता है, ट्रक में लगा होता है, जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं? वाहन बोलते हैं। बोले वाहन, वाहन से चलो या सीसा के वाहन से चलेंगे आज तो हम। तो सीसा का सिक्का जो है वो किसने चलवाया था? वो चलवाया था सातवाहन वंश ने, क्योंकि जो सीसा है वो कहाँ लगा होता? वाहन में। तो सीसा का सिक्का कौन चलवाएगा? सातवाहन वंश ही चलवाएगा, कोई बाबर मुगल वंश तो नहीं चलवाएगा, क्योंकि सीसा काय में लगा होता है? वाहन में लगा होता है, इसलिए सातवाहन वंश। नेक्स्ट भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। अब भक्ति आप राम की करते हो ना, है राम की करते हो, तो कौन चलाएगा भक्ति आंदोलन? रामानुजाचार्य ही चलाएंगे, क्योंकि हम भक्ति किसकी करते हैं? राम की करते हैं। तो भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी रामानुजाचार्य ने। नेक्स्ट अबुल फजल की हत्या की थी। अब अबुल फजल एक बहुत ही इतिहासकार ऐसे सुप्रसिद्ध हुए हैं, इन्होंने बहुत सारी जो है पुस्तकों का भी लेखन किया है अबुल फजल साहब ने। तो अबुल फजल की हत्या कौन करेगा? कोई वीर ही होगा, बुंदेला होगा कोई। अबुल फजल इतने सुप्रसिद्ध हस्ती की हत्या कौन कर सकेगा? तो कोई वीर ही होगा। तो अबुल फजल की हत्या करेगा वीर सिंह बुंदेला, क्योंकि अबुल फजल कोई मामूली इंसान नहीं है, वीर ही इसकी हत्या कर पाएगा, कोई मामूली इंसान नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो पहला ताजमहल बनवाया था बीबी की याद में, मुमताज की याद में बनवाया दिया था शाहजहां ने, जो कि उसकी बीबी का संबंध रखती थी। तो अब दूसरा मकबरा भी बीबी का मकबरा होगा, क्योंकि बीबी की याद में ताजमहल बनते हैं, और कितने ताजमहल बनना है अभी कोई पता नहीं है। और नेक्स्ट है शेरशाह का मूल नाम था, तो शेरशाह का मूल नाम क्या था? अगर आपके पास शेर आ जाए एक अचानक, तो आप क्या करेंगे? फरियाद करेंगे कि नहीं?
फरियाद करेंगे, फरियाद, भगवान बचा लो आज बस, कल तो हम इसके पास कभी नहीं आएंगे, यहाँ पर कभी नहीं आएंगे, है ना। तो फरीद करेंगे हम, शेर शाह का मूल नाम क्या होगा, फरीद खां, फरियाद कर रहे हैं शेर हमको दिख गया। तो नेक्स्ट है गदर पार्टी। गदर पार्टी कौन मचाता है, गदर कौन मचाता है, लाला लोग मचाते हैं गदर, लाला 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 के चक्कर में क्या करते हैं, गदर मचा देते हैं। तो गदर पार्टी का गठन कौन करेगा, लाला हरदयाल, है ना। नेक्स्ट है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, हमारे परिवार में हम देखते हैं कि हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन कौन कहलाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन हमारे दादाजी कहलाते हैं। तो भारत के भी कौन होंगे, दादाजी ही होंगे, क्योंकि दादाजी ग्रैंड ओल्ड मैन है, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। नेक्स्ट है भरतपुर अभ्यारण स्थित है, तो भरतपुर अभ्यारण कहाँ पर होगा, भरत का आपने नाम सुना होगा इतिहास में, भरत ने भारत पर जो है राज किया है, तो भरतपुर राज कहाँ होगा, अभ्यारण राजस्थान में होगा, क्योंकि भरत ने क्या किया है, राज किया, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण के जनक हैं, तो संस्कृत जो है हमें क्या करना है, पढ़ना है, क्या पढ़ना है, संस्कृत, संस्कृत पढ़ना है। तो संस्कृत व्याकरण के जनक कौन होंगे, पाणिनि होंगे, क्योंकि संस्कृत व्याकरण क्या करना है हमें, पढ़ना है, क्योंकि सीखना भी है और पढ़ना भी है इसको, संस्कृत व्याकरण को, तो पाणिनि इसके जनक होंगे। नेक्स्ट विश्व में सबसे निचले स्थान पर स्थित झील कौन होगी, मृत सागर, जब इंसान मरता है तो सबसे नीचे पहुंच जाता है, मृत्यु हो जाती है, मृत हो गया वो, तो सुप्त हो गया, क्या हो गया, सुप्त हो गया, मृत हो गया, सबसे नीचे पहुंच गया, तो मृत सागर विश्व में सबसे निचले स्थान पर कौन होगा, मृत सागर होगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी, तो वो होगी चिल्का झील। अब चिल्का झील की आप देखें, आपने देखा होगा चिल्का, चिल्का बनते चीला बनते हैं बरसात में घर में, वो कैसे रहते हैं, खारे रहते हैं, तो ये चिल्का झील जो होगी खारे पानी की सबसे बड़ी झील होगी भारत की, जो कि उड़ीसा में है, चिल्का झील, इस प्रकार से याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट धान का अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान स्थित है, तो धान का अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान कहां पर होगा, मनीला में, क्योंकि धान बिना मनी के नहीं मिलती, अगर हम आपके पास आएंगे कि मुझे धान चाहिए आपकी, तो आप क्या बोलेंगे, मनी लाओ, पहले क्या लाओ, मनी लाओ भैया, बिना मनी के तो हम नहीं दे पाएंगे। तो धान अगर आपको खरीदनी है, लेनी है, तो मनी आपको लाना पड़ेगा, तो बोला कि मनी ला, धान खरीदने हैं तो मनी ला, फिलीपींस में होगा ये अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो दूध कहां पर सबसे ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर होगा, उत्तर प्रदेश में ही होगा। नेक्स्ट ओकाई परियोजना स्थित है, ओकाई, ओकाई परियोजना कब, ओकाई, ओकाई मतलब होता है उल्टी, बोला उल्टी हो गया, क्यों हो गया भाई, इसको बुखार था, इसका तापमान जो है बहुत 90 सेंटीग्रेड से ऊपर है इसका तापमान, इसलिए क्या हो गया, इसको ओकाई हो गया। तो ताप्ती, ओकाई क्यों होती है, जब तापमान बढ़ता है, तो ताप्ती नदी पर गुजरात में है ओकाई परियोजना। नेक्स्ट शेरशाह का मकबरा स्थित है, तो सासाराम बिहार में। अब आपको शेर दिखा तो आप क्या करने लगे, फरियाद करने में लगे, तो शेरशाह का जो नाम था वो फरीद खां था, और आप क्या करने लगे, बिहार करने लगे, सासाराम, राम का नाम जपने लगे, आसाराम नहीं, सासाराम, सासाराम का, सासाराम राम का नाम आपने जपा और बिहार करने लगे, बिहार मतलब होता है भागने लगे या जानने लगे दूसरी ओर, तो वो होता है बिहार, तो शेर देखा तो सासाराम बिहार, इस प्रकार से याद करेंगे। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, अगर आपके पास अभी कान्हा आ जाए, कान्हा कन्हैया, तो क्या होगा, आपका मन डोलने लगेगा कि अरे कान्हा के साथ एक बार तो बैठने मिल जाए, एक बार तो हम देख लें कान्हा को, तो मन डोला, कान्हा को देखा और मन डोला, तो मंडला मध्य प्रदेश में ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर स्थित है, तो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद क्योंकि अगर व्यक्ति की चेस्ट, जो मैन है वो आदमी है, और उसकी चेस्ट मतलब होता है जो सीना और जो भुजाएं होती हैं उसकी, अगर ये चेस्ट बढ़ जाए तो उसको क्या हो जाता है, अहम हो जाता है, तो अहमदाबाद में होगा मैनचेस्टर भारत का। नेक्स्ट अलमाटी बांध कहाँ स्थित है, तो अलमाटी, अलमाटी माटी कौन खाते थे, कृष्ण जी, तो अलमाटी बांध कहाँ पर होगा, कृष्णा नदी पर होगा, जो कि कर्नाटक में, क्योंकि नाटक किया है कृष्ण जी ने बहुत, जब छोटे में बहुत गोपियों के साथ भी नाटक किया है, और दही भी खाया है चुरा चुरा के, ऐसे कुछ मिलती है अपन को जब अपन पढ़ते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। तो अलमाटी बांध कहाँ पर होगा, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो नर्मदा क्या है, अमर है, अमर है, नर्मदा थोड़ी कभी मिटने वाली है, तो नर्मदा अमर है, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ होगा, अमरकंटक से। नेक्स्ट है महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो महाभारत की आज हम क्या बोलते हैं, जय बोलते हैं, तो महाभारत का अन्य नाम क्या होगा, जय संहिता, जय महाभारत की जय, रामायण की जय, इस प्रकार से बोलते हैं, तो महाभारत की जय बोलते हैं, तो इसका नाम भी होगा जय संहिता। और पाल वंश का संस्थापक कौन होगा, पाल, पाल तो
तो गोपाल क्या करते थे, गौओं को पालते थे, तो पाल वंश का संस्थापक कौन होगा, गोपाल। इस प्रकार से याद करेंगे। सर्वप्रथम साह की उपाधि धारण की थी, तो साह की उपाधि अगर कोई धारण कर ले अपने यहां, अगर कोई साह की उपाधि आपके मित्र कोई धारण कर ले साह की उपाधि, तो क्या करेंगे हम उन्हें मुबारकबाद देने जाएंगे कि मुबारक हो भाई आपको आपने साह की उपाधि धारण की है। तो साह की उपाधि धारण की तो हम क्या करेंगे मुबारक देने जाएंगे। तो सर्वप्रथम जो है साह की उपाधि किसने धारण की थी, मुबारक खां ने। नेक्स्ट है तेनाली राम दरबारी थे, तेनाली राम। तो एक दो मित्र थे वो बोल रहे हैं कि मैं राम को पूछता हूं, मेरे इष्ट देव राम हैं। तो दूसरा मित्र बोला कि तेनाली राम तो मैनाली कृष्ण, तो तेनाली राम दरबारी कौन के होंगे, कृष्ण देव राय की, क्योंकि तेनाली राम तो मैनाली कृष्ण, तो तेनाली राम दरबारी कौन के होंगे, कृष्ण की। यहां राम आया तो इसके अपोजिट कृष्ण, राम और कृष्ण हम जो है रटा हुआ नाम है। नेक्स्ट लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। अब लोह और रक्त की नीति कौन पालन करेगा, जिसके पास बल है वही तो पालन करवाएगा लोह और रक्त की नीति, तो कौन किसने किया है, बलवन ने किया है, क्योंकि इसके पास क्या था, बल था, इसलिए लोह एवं रक्त की नीति को पालन करवाया। नेक्स्ट न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, तो न्याय की जंजीर के लिए किसको याद किया जाता है, जहांगीर को, जहांगीर को। अब बताइए कि न्याय की जरूरत किसे है, इस जहां को है, जहां को है ना, न्याय की जरूरत है, तो न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाएगा, जहां को याद किया जाएगा, जहांगीर को याद किया जाएगा। नेक्स्ट महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा, अब जो अगर कोई अर्धनंग महात्मा गांधी इतनी बड़ी हस्ती को अगर फकीर कह देगा अर्धनंगा फकीर, तो वो चर्चिल नहीं होगा, उसकी चर्चाएं नहीं होंगी। तो महात्मा गांधी को किसी ने अर्धनंगा फकीर कह दिया तो उसकी चर्चाएं होंगी, तो विंस्टन चर्चिल, क्योंकि ये चर्चिल होने लगी, किसी ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा तो उसकी चर्चा होने लगी, तो कौन कहेगा, विंस्टन चर्चिल कहलाएगा वो, क्योंकि उसकी चर्चा होने लगी। नेक्स्ट महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक कहा जाता है, अंतरात्मा, जब रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, क्योंकि अंतरात्मा, अब अंतरात्मा मतलब अब बोलते हैं अंतरात्मा में भगवान का निवास होता है, तो आज हम देखते हैं कि हमारे सामने हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन हमारे सामने अगर हम देखें कि हमारे जो प्रत्यक्ष भगवान है तो वो है रवि, रवि मतलब होता है सूर्य, सूर्य। तो महात्मा गांधी के अंतरात्म रक्षक कौन होंगे, रवि होंगे, सूर्य होंगे, तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब होंगे। नेक्स्ट है गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ही देंगे महात्मा की उपाधि, क्योंकि जो अंतरात्म रक्षक थे इनके रवि, और रवि ने सोचा कि इनको हम महात्मा की उपाधि दे दें, क्योंकि बहुत ही अंतरात्म में खोए रहते हैं महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान शासक था, तो कहाँ का शासक था, टीपू सुल्तान मैसूर का, क्योंकि जी अपने आप को क्या समझता था, सूरमा समझता था, सूर मैं क्या हूँ, सूर हूँ, सूर मैं शासन करूंगा, मैं सुल्तान कहूंगा, मैं सुल्तान की उपाधि धारण करूंगा। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक होगा, मैसूर का, क्योंकि जी क्या समझता था अपने आप को, सूर बोलता था, मैं सूर, मुझसे कोई टकराना मत, ऐसा बोलता था। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो कहाँ पर होगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप बताइए कि अगर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको स्थित करवाना है, बनाना है, कहीं स्थापित करवाना है, तो आपके पास लगभग जो है कितना होना चाहिए, लखनऊ मतलब लाख रुपया होना चाहिए, लाखों रुपया आपके पास होना चाहिए। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर होगा, लखनऊ में, क्योंकि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने में क्या लाखों रुपया होना चाहिए, तो लखनऊ में ये होगा। नेक्स्ट है फूलों की घाटी चमोली स्थित है, चमोली फूलों की घाटी। अब आपने एक फूल सुबह सुबह गुलाब का फूल लिया और किसी लड़की को दे दिया, अब क्या करेंगे आप, उसने उत्तर नहीं दिया अभी, उत्तर का इंतजार करेंगे। तो फूलों की घाटी कहां पर होगी, चमोली उत्तरांचल में, क्योंकि हमने फूल दिया था तो हमें उत्तर का इंतजार है अभी, तो फूलों की घाटी चमोली उत्तरांचल में। नेक्स्ट विवेकानंद रॉक स्थित है, तो विवेकानंद रॉक कहां पर होगा, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, क्योंकि जो कन्याकुमारी है विवेकानंद जी की, जो है 12 जनवरी को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं विवेकानंद जी का, तो विवेकानंद जी ने शिकागो में क्या कहा था, सबसे पहले कहा था कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं मेरे प्यारे बुजुर्गों, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो कन्याएं थी, जो कुमारी कन्याएं थी, उनको बहनों कहा कि मेरी प्यारी बहनों। तो विवेकानंद ने कहा शिकागो सम्मेलन जो हुआ था, तो विवेकानंद रॉक कहां पर स्थित होगा, कन्याकुमारी में ही होगा, क्योंकि जो कुमारी कन्याओं को इन्होंने क्या कहा था, मेरी प्यारी बहनों, तो इन्होंने विवेकानंद रॉक यहां पर स्थित होगा कन्याकुमारी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है, तो कटक, चावल कैसे बनता है, धान से बनता है, धान को क्या करते हैं, हम काटते हैं, तो चावल अनुसंधान शोध संस्थान कहां पर होगा, कटक में होगा, क्योंकि धान को हम क्या करते हैं, काटते हैं, हसिया से काटते हैं ना,
तो कटक कटक में ही होगा। नेक्स्ट कुरुक्षेत्र का मैदान, तो जो कुरुक्षेत्र का मैदान और पानीपत का कहां पर है, तो आप कुरुक्षेत्र के मैदान में आप पानी डालोगे, सिंचाई करोगे तो क्या हो जाएगी, हरियाली हो जाएगी। तो कुरुक्षेत्र और पानीपत जो है कहां पर होगा, हरियाणा में होगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में हमने पानी डाला, सिंचाई की, तो क्या हो गया, हरी हरियाली छा गई, तो हरियाणा में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, तो कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्री हरिकोटा में है। अब आप बताओ कि हरि कहाँ निवास करते हैं, हम बोलते हैं ऊपर है हरि, ऊपर, वो तो सब कुछ देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे है ना। तो भू उपग्रह कहां पर हम प्रक्षेपण करते हैं, ऊपर ही तो करते हैं, अंतरिक्ष में, कहां, हरि के पास। तो भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां पर स्थित होगा, हरिकोटा में होगा, क्योंकि हम जो भू उपग्रह का प्रक्षेपण करते हैं वो कहां करते हैं, ऊपर करते हैं, हरि के पास, जहां हरि है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज आधारित है, तो एक किस तौर बात पर आधारित है। अब आप बोलते हैं कि इस सृष्टि की रचना किसने की है, ब्रह्मा ने की है, ब्रह्मा एक है, इस प्रकार से ब्रह्म समाज आधारित होगी एक किस तौर बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था। अब बताइए कि जहां दौलत होगी वहीं सबको, सब लोग जाएंगे, वहीं राजधानी ट्रांसफर करेंगे, वहीं अपना निवास स्थान बनाएंगे, क्योंकि कहां, वहां क्या है, दौलत है, आराम है, ऐसो आराम है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी वही कहा कि यहां दौलताबाद में बहुत दौलत थी, तो दिल्ली से इन्होंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया जो राजधानी थी, तो दौलताबाद को बना दी, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद को बना दी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से बताएं, और जो भी आपको खराब लगा हो उसको छोड़ दें, जो भी अच्छा लगा हो उसको ग्रहण कर लें दोस्तों, क्योंकि ये आप पे हर व्यक्ति के अंदर ये विशेषता होनी चाहिए कि आपको जो जिस व्यक्ति के अंदर अच्छा लगता है उसको ग्रहण कर लो और जो आपको खराब लगता है उसको छोड़ दो। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि अन्य लोग भी इन ऐसी अनोखी ट्रिक, क्योंकि ये ट्रिक ऐसी होती है चाहे हम पढ़ें या आप, आपको पता नहीं होगा कि हमने कितने प्रश्न याद कर लिए। आपके पास जब भी ये प्रश्न आएंगे, जब भी आपके पेपर में आएंगे, तो आपको वो फटाक से याद आ जाएगा कि जो विवेकानंद रॉक है वो कहां पर है, कन्याकुमारी में, क्योंकि विवेकानंद जी ने क्या क्या बोला था शिकागो से, इस प्रकार से वो एक माइंड में जो है बैठ जाता है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह की जो है ट्रिक बनाने का प्रयास करें, इस तरह से याद करने का प्रयास करें, और भी नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। जय हिंद।